नमस्कार, मैं लता सबरवाल सेठ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इमेज एम्पावरमेंट। इस वीडियो में मैं आपके दो क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि टोनर क्या होता है और कैसे यूज करना चाहिए। तो टोनर जो होता है वो माइल्डर फॉर्म ऑफ एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट स्ट्रांग होता है और टोनर माइल्ड होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप टोनर यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिंजेंट। टोनर्स बहुत से तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, हर्बल और नॉन हर्बल, या फिर रोज़ वाटर। सिंपल रोज़ वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं टोनर की तरह। इनफैक्ट आई प्रेफर यूजिंग रोज़ वाटर एज टोनर। तो टोनर हम कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी स्किन टाइप क्या है। बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि मेरी स्किन टाइप क्या है, तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो टी जोन है वो ऑयली है और बाकी नॉर्मल है। तो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए वो होते हैं या तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए और या फिर नॉर्मल टू ऑयली, बिकॉज कई एरियाज थोड़े से जो टी जोन है वो मेरा वो थोड़ा ज़्यादा ऑयली है इसलिए। तो अगर आपकी स्किन मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स, उन पर लिखा रहता है, और या फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है वो प्रोडक्ट्स मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी स्किन को ऑयली बना सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू यूज अ टोनर। सबसे पहले आप अपना पूरा मेकअप रिमूव कर दीजिए अगर आपने लगाया हुआ है तो, और उसके बाद अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद हम टोनर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप एक कॉटन बॉल लीजिए, कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड्स भी आते हैं वो ले लीजिए। और ये मैं सिंपल रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ टोनर के तौर पे। इसे इस तरह से अच्छे से डाल दीजिए। टोनर इस पे लगाने के बाद हमारी जो फेस मसल्स हैं हम उस डायरेक्शन में अपने फेस को क्लीन करेंगे। हिट लाइक दिस एंड लाइक दिस, मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं ऐसे जाना चाहिए हमें, इधर ऐसे और इधर ऐसे फॉरहेड करेंगे। चीक्स जो हैं वो ऐसे अपवर्ड्स डायरेक्शन में ऐसे, चिन राउंड में, और जो नेक पोर्शन है उसे हमेशा ऐसे नीचे से ऊपर। अभी मैंने मेकअप लगाया हुआ है इसलिए मैं आपको टोनर एक्चुअली यूज़ करके नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आई होप कि आप जो मसल्स का डायरेक्शन है समझ गए होंगे और टोनर कैसे यूज़ करना है और कब करना है वो भी समझ गए होंगे। हाँ, और आई पोर्शन उसके ऊपर अगर आप जैसे रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं तब रख सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा टोनर यूज़ कर रहे हैं तो आप आईज़ के ऊपर मत यूज़ कीजिए उसे, क्योंकि हो सकता है आपकी आँखों में जलन हो जाए। तो अगर रोज़ वाटर है तो आप उसे अपनी आईज़ बंद करके थोड़ी देर कॉटन वूल को रख दीजिए, तो आँखों को जो है वो ठंडक भी पहुँचेगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ अ टोनर, एंड नाउ यू नो माई स्किन टाइप। तो अगर आपकी स्किन टाइप मेरे जैसी है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन, तो आप उसी तरह के प्रोडक्ट्स खरीदें। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।